सब मैं अच्छी हूँ बहुत। और आप सब का क्या क्या कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आज लेके आई हूँ नाइट केयर स्किन रूटीन का, और मैं आपको आज आपको बताऊँगी कि नाइट का केयर कैसे रखते हैं। और चलो करते हैं, ये मैं ले आया हूँ मिल्क और कटन। इसके बाद क्लीन करते हैं फेस को, थोड़ा मिल्क में ही करेंगे। मैं सिर्फ फेस वॉश कर लिया है बेला वीटा का, एक्नी एंटी एक्नी ट्री ट्री का ऑयल है उसका फेस वॉश यूज़ कर लिया है। और ये इसके साथ मैं क्लीन करूँगी मिल्क के साथ। मिल्क में आपको स्किन ग्लो करेगा और ब्राइटनिंग रखेगा, और जितना भी पोर्स वगैरह है तो सब क्लीन हो जाएगा, और पिंपल्स वगैरह भी क्लीन हो जाएगा, और आपका डार्क सर्कल भी कम हो जाएगा। इधर लग लेते हैं, इसके बाद उसको ही फिर थोड़ी देर के लिए हम रख लेंगे इसे ही फेस में। सूखने के बाद हम बस फेस को वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर में, और अंडर आई के नीचे भी लगाना। देखो मेरा स्किन कैसा हो गया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्लीन कर लेंगे। मैं क्लीन करके आपके साथ बात करती हूँ। देखिए गाइस, मेरा मिल्क से ही कितना स्किन ब्राइटनिंग कर रहा है। अभी हम स्क्रब करेंगे, स्क्रब में हम ले रहे हैं ये है चावल का आटा, और थोड़ा दरदरा पीस के, और इसके साथ हम ये ले रहे हैं एलोवेरा जेल, खादी का ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इतना सारा यूज़ कर चुकी हूँ। और इसमें एक स्पून मैंने लिया है चावल का आटा, और एक स्पून एलोवेरा जेल लेंगे। इसके बाद हम स्क्रब करेंगे। और ये थोड़ा जो मसाज करेंगे, और अब बीच बीच में जो ड्राई हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा गुलाब का जल या पानी या थोड़ा एलोवेरा और आप डाल के स्क्रब कर सकते हैं। डेफिनेटली गाइस प्लीज़ स्किन केयर को यूज़ करना घर पे, और मुझे बताना, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, होम रेमेडी है, आप ज़रूर करके मुझे बताना कमेंट पर। मैं स्क्रब कर के धो के आपके साथ बात करती हूँ।
और ये स्क्रब होने के बाद थोड़ा देर फेस में रखना। उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना। इतना अच्छा स्क्रब होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ब्लैक हेड वाइट हेड सब चला जाता है, सिर्फ चावल के अट्टे से और एलोवेरा जेल से, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं धो के आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, मेरा फेस कैसे क्लीन कर रहा है। उसके बाद हम पैक लगाएंगे। पहले टोनर स्प्रे कर लेते हैं। ये मेरा है गुड वाइब्स का प्रोमोग्रेनेट ग्लो टोनर। अभी हम पैक बनाएंगे। इसमें भी लिया हूँ मुल्तान मिट्टी और दूध। अभी उसमें हम डालेंगे वही खदी का ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, बस थोड़ा सा ही। और अब जो भी टोनर हो डाल सकते हैं थोड़ा। गुलाब जल भी है तो डाल सकते हो। और इसका एक पैक बनाएंगे। और ये टोनर सूख जाने के बाद हम लगाएंगे पैक। और बहुत ही जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ डैंड्रफ का सल्यूशन। तो प्लीज़ गाइस मेरे साथ बने रहना और देखते रहना मेरे चैनल को। मैं आप सबको बताऊँगी वो कैसे गायब करना है डैंड्रफ को आपको। और ये बहुत ही अच्छा है, होम रेमेडी है। चलिए पैक लगाते हैं। ये हो गया मेरा फेस पैक लगा के। और 15 मिनट के लिए आप फेस पे रखेंगे। उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेना। और नेक एरिया में भी लगाना, मैं यहाँ तक लगाऊंगी। और ये इतना ही अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा है। मुल्तान मिट्टी आपको फेस को ठंडा रखेगा और वो इचिंग पिंपल वगैरह से सबसे दूर रखेगा। तो 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं।
हाय गाइस, देखिए मेरा फ्रेंड जो भी उनको आप सीख गया है। और ये ज़्यादा मत सिखाना, 15 से 25 तक बस नहीं देना, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना। मैं फिर से सुनूंगा, मैं वॉश करके आपके उसके बाद में देखिए गाइस, मेरे फेसबुक के आगे हो गया मेरा और कितना देखिए क्लीन हो गया। उम्र में से आप ऐसे ही करो, बहुत ही अच्छा स्किन रहता है, हाइड्रेटिंग रहता है और स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। उसके बाद हम थोड़ा आइस लगाएंगे, इसके भी थोड़ा इचिंग होगा, पिंपल्स वगैरह रहता है तो इचिंग होता है, तो थोड़ा आइस लगाएंगे। पहले अपना टी शर्ट बचा देना, थोड़ा आइस फेस के ऊपर स्क्रब करना। आइस लगाने से आपका पिंपल्स भी चला जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। और जितना आइस जितना चाहिए हो एक तो लगा लेना आपका फेस पर, और थोड़ी देर के बाद उसे रहने देना, मैं थोड़ा सूखा ले रही हूँ। उसके बाद हम ये बेला विटा का रोज ग्लो फेस जेल क्रीम लगाएंगे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये स्किन हाइड्रेशन रखता है और इसमें रोज, विटामिन ई, सैफ्रन, रेटिनिंग, न्यू आयुर्वेदिक, एज आयुर्वेदिक का है ये और ये बहुत ही अच्छा है। बस जेंटली उसका मसाज लगा, मसाज करके चलो लगाते हैं। अब मेरा हो गया स्किन केयर रूटीन, नाइट केयर रूटीन। देखिए मेरा स्किन कितना ग्रो कर रहा है और कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ये हो गया है, मुलायम हो गया। और इसको होम रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, केमिकल भी वगैरह कुछ भी नहीं है, ज़रूर ट्राई करना। और ये मेरा देखिए, मैं पास में ही दिखा रही हूँ मेरा स्किन कितना ग्रो कर रहा है, अब ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट में बताना। मेरा ना ऐसे ही करती हूँ मैं नाइट केयर स्किन रूटीन, बीच बीच में मैं चेंज करती हूँ, आपको ज़रूर बताऊँगी। और होम रेमेडी के साथ ही मैं आपके न्यू ब्लॉग लेके आऊँगी डैंड्रफ के ऊपर, प्लीज़ मेरे साथ बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट प्लीज़ करना। और प्लीज़ प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करना, उसके आपके वजह से मैं यहाँ तक आऊँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। गुड नाइट, बाय।